नमस्कार, मैं महक और आप देख रहे हैं हरियाणाई खबर। हरियाणा में बुजुर्गों को दिसंबर माह की पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 15 तारीख तक पेंशन आ जाती थी, लेकिन दिसंबर माह की पेंशन फरवरी शुरू होने तक भी नहीं आई है। इस लेट लतीफी से बुजुर्गों में काफी रोष बना हुआ है। कई दिनों से बुजुर्ग पेंशन की जानकारी हासिल करने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वैसे भी पिछले 6 महीने से बुढ़ापा पेंशन को लेकर प्रदेश में अलग अलग तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन कटने की चर्चा चली और यह बात सच भी है कि विभाग ने अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए कुछ बुजुर्गों की पेंशन पर रोक लगा दी है। इसके बाद पिछले 4 महीने से पेंशन के समय में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। जो पेंशन 6 महीने पहले माह की 15 से 18 तारीख के आसपास आ जाती थी, वह 28 से 30 के बीच आने लगी। इस बार दिसंबर की पेंशन पूरी जनवरी बीत जाने के बाद भी नहीं आई है। ऐसे में उन लोगों को और अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है जो पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी की और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।